निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों में कहानी को बेहतर तरीके से कहने के लिए जाने जाते हैं। अक्स, रंदे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्में इस बात का सबूत है। मेहरा की फिल्मों की खासियत मजबूत कहानी होती है। अपनी ताजा फिल्म मिर्जिया में मेहरा ने तकनीक पर खासा जोर दिया है। फिल्म को भव्य और दर्शनीय तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन कहानी की कमजोरी फिल्म को ले डूबी है। मजबूत कंटेंट के अभाव में सिर्फ विजुअल ट्रीट के बूते पर कब तक दर्शकों को बांधा जा सकता था। मिर्जा साहिबा की लोक कथा से प्रेरित कहानी मिर्जिया में दिखाई गई है। फिल्म में दो कहानी समानांतर चलती है। एक कहानी वर्षों पुरानी है, जिसमें दो प्रेमियों के प्रेम के खिलाफ जमाना है। लद्दाख की वादियों में बिना किसी संवाद के इसे फिल्माया गया है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है। इसमें सिर्फ तकनीकी बाजीगरी है। दूसरी आज के दौर में सेट है और यह आदिल सूची की कहानी है। हालात आज भी वही है। एक बार फिर दुनिया प्रेमियों को मिलने नहीं देती। दो कहानियों को दिखाने का केवल यही तुक हो सकता है कि प्यार के खिलाफ दुनिया वर्षों पूर्व भी थी और आज भी है। इश्क में अक्सर होता है, चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है। स्क्रिप्ट गुलजार ने लिखी है। गुलजार ने गीतों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया है। नायक नायिका के मनोदशा का वर्णन गीतों के द्वारा पता चलता है। पूरी फिल्म काव्यात्मक तरीके से चलती है और पृष्ठभूमि में लगातार होता है, इश्क में अक्सर ऐसा होता है, चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है जैसी बेहतरीन लाइनें सुनने को मिलती है। लेकिन फिल्म देखने के बाद महसूस होता है कि स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक के दृष्टिकोण का तालमेल नहीं हो पाया, जिसका सीधा असर फिल्म पर पड़ा है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंदे बसंती में इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं, जब उन्होंने अतीत और वर्तमान की कहानियों के तार आपस में जोड़े थे। लेकिन मिर्जिया में यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा है। इन दोनों कहानियों को दिखाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है। उन्होंने प्रेमियों के मिलन और बिछुड़ने को गीत संगीत के जरिए उभारने की कोशिश की है, लेकिन ये बातें दर्शकों के दिल को जरा नहीं छूती। सब कुछ नकली सा लगता है। निर्देशक के पास कहने के लिए बात छोटी सी थी और वक्त बहुत ज्यादा। गीत संगीत, आंखों को सुकून देने वाले लोकेशंस और भव्यता से सजाकर उन्होंने कहानी को पेश किया है, लेकिन पूरे समय तक वे दर्शकों को बांध कर नहीं रख पाए। उनका दृश्यों को सुंदर बनाने पर ज्यादा जोर रहा है, भले ही वे कहानी में फिट बैठते हों या नहीं। मिर्जिया से अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की है। उन्हें ज्यादा अवसर तो नहीं मिले हैं, लेकिन एक अच्छे अभिनेता बनने के गुण उनमें नजर आते हैं। अपने किरदार के अंदर इश्क की धधकती आग को उन्होंने बखूबी दर्शाया है। संयामी खेर का अभिनय सीन दर सीन अच्छा बुरा होता रहा है। उन्हें अपने अभिनय पर काफी मेहनत की जरूरत है। गुलजार के गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत फिल्म का प्लस पॉइंट है। सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। राजस्थान और लद्दाख को इतनी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल है। अफसोस की बात यह है कि मिर्जिया से कई प्रतिभाशाली लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षा से नीचे रहा है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।